डिस्कस करना बंद करो आप। एग्जाम्पल 2.10th ये वाला क्वेश्चन गिवन है। इस वाले क्वेश्चन में आपसे बोला गया है वोल्टेज गिवन है आपको बैटरी का 100 वोल्ट और इस बैटरी को क्या कनेक्टेड किया कैपेसिटर जिसका कैपेसिटेंस कितना है 900 पिकोफैरेड। तो हमें बोला गया है कि ये कैपेसिटर कितना एनर्जी स्टोर करेगा। तो अगर हम यहाँ पे देखें तो हमने लिखा है पहले वाले केस में बोला है एनर्जी स्टोर्ड इन कैपेसिटर विद द बैटरी कनेक्शन। बैटरी का अगर कनेक्शन है तो कितना एनर्जी स्टोर होगा। तो फॉर्मूला आपके पास U is equal to half CV square होता है। half C का वैल्यू गिवन है आपको 900 पिको, पिको मतलब 10 पावर माइनस 12 इनटू बैटरी का वोल्टेज उसका स्क्वायर करना है आपको। तो बैटरी का वोल्टेज कितना है 100 का स्क्वायर आएगा 100 इनटू 100। तो यहाँ पे ये दो जीरो और ये टोटल चार जीरो, टोटल कितने हो गए 6 जीरो। 6 जीरो किसके साथ कट हो जाएंगे माइनस 12 के साथ, तो बचेगा कितना माइनस 6। तो 10 की पावर बचेगा माइनस 6 और आप जब 2 से किसको डिवाइड करोगे 9 को तो कितना मिलेगा 4.5। 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल, ये आपका एनर्जी स्टोर मिलेगा आपको पहले वाले केस में। सेकेंड वाले केस में क्या बोला है, अगर हम जो बैटरी है उसको हटा दें और उसकी जगह पे उतना ही कैपेसिटेंस का अनचार्ज कैपेसिटर लगाए जितना पहले था, तो पहले कितना था, पहले था आपके पास 900 पिकोफैरेड का कैपेसिटेंस। ऐसा हमने कैपेसिटर कहाँ पे कनेक्ट किया है बैटरी को, तो बैटरी को हटा देना है। बैटरी को क्या करना है आपको हटा देना है और बैटरी की जगह पे अनचार्ज कैपेसिटर लगाना है जिसका कैपेसिटेंस कितना हो 900 पिकोफैरेड हो, मतलब सेम कैपेसिटेंस हो। बस इतना है कि ऊपर वाला चार्ज था, अब नीचे वाला जो है वो क्या है अनचार्ज। तो होगा क्या, ऊपर वाला तो चार्ज हो गया है तो अपना आधा चार्ज किसको डिस्ट्रीब्यूट करेगा जो अनचार्ज कैपेसिटर उसके पास। तो होगा क्या, अब जो ऊपर वाला कैपेसिटर है उसके पास आधा चार्ज बचा है तो हमने बोला उसको क्यू डैश। जो पहले चार्ज कितना था क्यू था, अब कितना हुआ क्यू डैश, मतलब आधा चार्ज किसको दे दिया उसने नीचे वाले कैपेसिटर को, तो उसके पास भी कितना चार्ज आएगा क्यू डैश। दोनों के पास कितना चार्ज है क्यू डैश, पहले कितना था क्यू, दोनों को अगर ऐड करोगे तो कितना मिलेगा क्यू ही मिलेगा। यहाँ पे कंजर्वेशन ऑफ चार्ज फॉलो किया जा रहा है, ये याद रखना लॉ ऑफ कंजर्वेशन ऑफ चार्ज यहाँ पे क्या किया जा रहा है फॉलो किया जा रहा है। तो मैं ऐसा लिख सकता हूँ सो देयरफॉर एनर्जी ऑफ सिस्टम। अब हम उन्होंने हमसे क्या पूछा है कि अगर ऐसा है, अगर ये अरेंजमेंट है तो इस अरेंजमेंट के लिए कितनी एनर्जी स्टोर होगी। तो हमने ऐसे लिखा एनर्जी ऑफ सिस्टम, सिस्टम किसका बना है दो कैपेसिटर का आफ्टर रिप्लेसमेंट ऑफ बैटरी, बैटरी को हटाने के बाद किसके साथ विद द सेम कैपेसिटर, यहां पे भी कैपेसिटर सेम है जो अनचार्ज है। तो हम इसको बोलेंगे एनर्जी यू डैश इज इक्वल टू, क्योंकि हम तो यू पहले ले चुके हैं तो यू डैश इज इक्वल टू एनर्जी स्टोर्ड इन दिस कैपेसिटर जो आएगा हाफ क्यू डैश वी डैश। ये वाला फॉर्मूला पता ही आपको, हाफ क्यू वी, इतनी एनर्जी स्टोर्ड होती है किसमें कैपेसिटर में। तो हाफ यहाँ पे चार्ज क्या है क्यू डैश, यहाँ पे वोल्टेज कितना है वी डैश, प्लस यहाँ पे भी हाफ चार्ज कितना है क्यू डैश, वोल्टेज कितना है वी डैश। दोनों को अगर आप ऐड करोगे तो क्यू डैश और वी डैश बचेगा क्योंकि आधा प्लस आधा तो एक होगा, तो क्यू डैश वी डैश बचेगा। लेकिन क्यू डैश कितना है, क्यू डैश तो क्यू बाई टू है और वी डैश भी कितना है वी बाई टू है। तो हम बोलेंगे यहाँ पे क्यू डैश का वैल्यू प्लेस किया क्यू बाई टू, वी डैश का वैल्यू वी बाई टू। तो मैंने क्या किया हाफ को कॉमन, हाफ को साइड में ले लिया तो अंदर क्या बचा है हाफ, देखो एक अगर हाफ आपने साइड में ले लिया है तो अंदर क्या बचेगा हाफ क्यू वी बाय, सॉरी हाफ के हाफ क्यू वी बचेगा अगर आपने किसको बाहर लिया है हाफ को। कहने का मतलब क्या है कि एक तुक को हमने साइड ले लिया, इससे क्या होगा पता है आपको, इससे फायदा ये होगा कि ये भी किसका फॉर्मूला है, ये भी किसका फॉर्मूला है एनर्जी का। और इनिशियल एनर्जी कितनी थी, इनिशियल एनर्जी हमने निकाली थी वहां पे कितनी थी वो, तो इसकी जगह पे इस वाली एनर्जी की जगह पे आपको प्लेस करना है 4.5 इंटू 10 पावर माइनस 6। 2 से जब इसको डिवाइड किया तो कितना आएगा 2.25 इंटू 10 पावर माइनस 6 जूल, ये आपका आंसर है। और सिमिलर क्वेश्चन आपको एक्सरसाइज में गिवन है, वो क्वेश्चन आप लोगों को सॉल्व करना है, बिल्कुल सेम है, बस इतना है वहां पे।